पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने के भाग रूप आज वडोदरा शहर भाजपा द्वारा विशेष कार्यक्रम किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां सुशासन दिवस के पूर्व आज वडोदरा के इलेक्शन वार्ड नंबर 3 विस्तार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यालयबाग विस्तार में स्थित मेलडी माता के मंदिर पर आज आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह तथा गुजरात सभा विधानसभा के दंडक वैसे तथा रावपुरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल की मौजूदगी में आज एक जरूरतमंद परिवार को विशेष सहायता अर्पित की गई, जहां आज जरूरतमंद परिवार से जो बच्चा जन्म से ही डेफ था उसे आज हियरिंग मशीन यानी कि सुनने की मशीन का लोकार्पण किया गया। जो ये कार्यक्रम के तहत आज 4 सालों के बाद बच्चे ने सबसे पहले वंदे मातरम तथा भारत माता की जय का जयकारा सुनते हुए आज परिवार में भी मानो एक भावनात्मक माहौल पैदा हुआ था। तो वही साथ ही वाटर कूलर का भी लोकार्पण किया गया, जहां बच्चों के लिए कोरोना के सामने रोग प्रतिकारक शक्ति में बढ़ावा हो वैसे आशय से आज होम्योपैथिक दवाइयों का भी वितरण किया गया। आज मेलडी माता मंदिर खाते आज विस्तार हमारा काउंसिलर और नेता डॉक्टर राजेश भाई शाह ने निखिर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा अटल जी ना जन्मदिन निमित्ते आज आ कार्यक्रम योजाया तो तेमा अनेकविध सेवाकीय प्रकल्पों तेमने हाथ धरेल छे तेनुं आज उद्घाटन हतुं। एवा सेवाकीय कार्यो छे के जेमा अहींना आवता जता राहदारीओ माटे अने आज भक्तजन आवे एमना माटे युवानुं ठंडू सरस मजानुं आरो पाणी मळी रहे एनो एक प्रोजेक्ट छे, साथे बाळकोने आ विस्तारना बाळकोने वाचवा मळे एटला अटल पुस्तकालयनी एमने शरूआत करेली छे। साथे साथे एक बाळक एवुं કે જેને જન્મથી સંભળાતું નથી જે બોલી નથી શકતો તેના માટે જે હિયરિંગ એડ આપ્યાને આપે જોયું હશે કે તેઓ ભારત માતા કી જય શબ્દ એના જિંદગીમાં પહેલી વખત એના કાન પર પડ્યો। સાથે સાથે એક એવા ભાઈ કે જેમને ખરેખર વ્હીલચેરની જરૂરત હતી એક વ્હીલચેરનું આયોજન કર્યું અને આ બધા જ પ્રકારના પ્રકલ્પો સાથે લઈને સેવા સંગઠન અને સરકારની સાથે સુમેળભર્યું વાતાવરણ કરી દીધું તેનો એક સતત પ્રયત્ન કરતા ડૉક્ટર રાજેશભાઈને આજના દિવસે હું ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું તેમના ટ્રસ્ટને અને આ તેમના કામોમાં જે જે કંઈ નાગરિકો જોડાયા હતા તમામને ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું અને તેમના આભાર માનું।